मूवी की स्टार्टिंग में जेन और जॉन एक मैरिज काउंसलर को बताते हैं कि उनका रिलेशनशिप अब टूटने की कगार पर है और उन दोनों को ये याद भी नहीं कि वो दोनों लास्ट टाइम कब एक दूसरे के करीब आए थे। काउंसलर उनको उनके फर्स्ट मीटिंग के बारे में पूछता है। तब जॉन और जेन काउंसलर को बताते हैं वो दोनों फर्स्ट टाइम कोलंबिया में मिले थे, जहां पुलिस से बचने के लिए उन दोनों ने एक दूसरे के साथ होने का दिखावा किया था। उनकी कुछ मीटिंग्स के बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, फिर उन्होंने शादी भी कर ली। अब 5 साल बाद वो दोनों इस शादी से खुश नहीं हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, पर उनके पास कोई कॉमन टॉपिक नहीं होता बात करने के लिए। कुछ दिनों बाद जॉन काउंसलर के पास अकेले आता है और उसे कहता है कि वो जेन से प्यार करता है, पर अब उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर काउंसलर उसे बताती है इसमें कोई सीरियस बात नहीं है। दोस्तों, दिक्कत ये थी कि वो दोनों अपनी असल जिंदगी को एक दूसरे से छुपा रहे थे। जॉन ने जीन को बताया था कि वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक कॉन्ट्रैक्टर है और जीन ने अपने बारे में कहा था कि वो एक स्टॉक एक्सचेंज में सर्वर मेंटेनेंस का काम करती है। फिर एक दिन रात में फोन बजता है और जीन जैसे ही फोन उठाती है उसे कुछ बताया जाता है। फोन पे बात करने के बाद जेन घर से निकलने के लिए रेडी हो जाती है। तभी जॉन जेन से पूछता है कि इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, तो जेन जॉन को बताती है कि उसके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उसे अर्जेंटली जाना होगा, और वो फिर निकल जाती है। फिर जेन एक होटल में पहुंचती है और एक आदमी के कमरे में जाकर अपने कपड़े उतारने लगती है जैसे वो कोई प्रोस्टिट्यूट हो, लेकिन उसके तुरंत ही बाद वह उस आदमी को मार डालती है। रियल में जेन एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करती थी। दूसरी तरफ जॉन 3 आदमियों के साथ जुआ खेल रहा होता है। तभी उनका एक और साथी आ जाता है। जॉन मौका देखकर बंदूक निकालता है और सबको शूट कर देता है। रियल में जॉन भी एक एजेंसी के लिए काम करता है जो सीक्रेट मिशन चलाती है, जिसका काम क्रिमिनल्स को मारना होता है। जीन भी एक ऐसी एजेंसी में एक सीक्रेट एजेंट के रूप में काम करती है और घर पर वो दोनों एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं और उन्होंने एक दूसरे से अपने रियल प्रोफेशनल को छुपा रखा होता है। स्मिथ ने अपने आप को कवर करने के लिए एक स्मिथ इंजीनियरिंग फर्म स्टेब्लिश की है। जॉनसन उसके सारे टास्क वहाँ से परफॉर्म करता है। फिर एक दिन जॉन और जीन की एजेंसी उन्हें एक इम्पोर्टेंट मिशन देती है। उस मिशन के अकॉर्डिंग उन्हें बेंजामिन नाम के लड़के को जिंदा पकड़ना है, तो इसलिए जॉन और जीन उस मिशन के लिए अलग अलग जाते हैं, लेकिन उनका टारगेट सिर्फ एक ही होता है जो कि है बेंजामिन। जीन फिर रास्ते में एक्सप्लोसिव फिट करके एक जगह पर छुपकर बेंजामिन का वेट करने लगती है। तभी वहाँ जॉन आ जाता है। जेन उसका चेहरा नहीं देख पाती है, पर उसके हाथ में एक खतरनाक वेपन देखकर वो जॉन पे अटैक करती है। जॉन ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा था, इसलिए वो अटैक से बच जाता है और वह उठकर जेन पर रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट लॉन्च कर देता है। जेन को वहाँ से अपनी बाइक लेकर बचकर भागना पड़ता है। फिर जॉन उसके सामान की तलाशी लेता है, जहाँ उसे जेन का जला हुआ लैपटॉप मिलता है, जिसे लेकर जॉन कंप्यूटर हार्डवेयर एक्सपर्ट के पास जाता है और उस लैपटॉप के ओनर के एड्रेस को फाइंड करने के लिए कहता है। वो अपने दोस्त एडी से मिलकर बताता है कि एक लड़की ने उसका सारा मिशन खराब कर दिया। उधर जेन भी अपने ऑफिस में जाकर उस शख्स पर बहुत गुस्सा होती है जिसने उसका मिशन खराब कर दिया। तभी उसके बॉस का फोन आता है और उसका बॉस उसे कहता है कि 48 घंटे में बेंजामिन नहीं ढूंढा तो जेन अपनी जॉब खो देगी। दूसरी तरफ जॉन को जेन के लैपटॉप से एक न्यूयॉर्क की बिल्डिंग का पता चलता है और वो उस बिल्डिंग में जाता है, लेकिन सिक्योरिटी चेक होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता। तभी वो एक बोर्ड पर जेन का नाम पढ़ लेता है और वो सोचता है कि जेन ने उससे ये सब कुछ क्यों छुपाया। दूसरी तरफ जेन को भी सच पता चल जाता है, लेकिन वह ऑफिस में कुछ नहीं बताती। दोनों सावधानी के साथ अपने घर जाते हैं और एक दूसरे से उसके जॉब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ अलर्ट रहते हैं डिनर के टाइम पर। बातचीत के दौरान दोनों एक दूसरे के इरादों से घबरा जाते हैं, ये सोचकर कि वो दोनों एक दूसरे को मारने के मिशन पर हैं। तब जॉन जेन पर हमला करने के लिए गन लाता है। इतने में जेन कार लेकर वहाँ से चली जाती है। जॉन एडी के साथ इस सिचुएशन को डिस्कस करता है और वो बताता है कि वो जेन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, क्योंकि अगर उसने अपनी नौकरी के बारे में झूठ बोला है तो उसने बाकी चीजों में भी जॉन से झूठ बोला होगा। एडी को कहता है कि शायद जेन उसे एक्सपोज करने की मिशन पर थी, जो उसने आखिरकार कर ही दिया। इसी बीच जेन अपने दोस्तों को
जॉन के बारे में बताती है और उसके दोस्त जेन को उसे मारने का सजेस्ट करते हैं। अगली सुबह जेन अपनी टीम के साथ अपने घर आती है और पूरे घर की तलाशी लेती है और जॉन के सारे हथियार लेकर चली जाती है। थोड़े समय बाद जॉन जेन के एजेंसी में जाता है और इस वजह से जेन को अपने साथियों के साथ वहाँ से भागना पड़ता है। जॉन वहाँ से डिस्ट्रॉयड वेपन लेके आता है तो एडी जॉन को जेन का मर्डर करने के लिए सलाह देता है। जॉन को जेन और उसकी टीम के बारे में कुछ क्लू मिलते हैं और क्लू को देखकर वो एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है। बिल्डिंग में जाकर वो बिल्डिंग की लिफ्ट यूज करता है। जीन सीसीटीवी कैमरा में उसे लिफ्ट में खड़ा देख लेती है और उसे दूसरे शहर जाने को सजेस्ट करती है। जॉन के मना करने पर जेन अपने दोस्त को लिफ्ट को ब्लास्ट करने को कहती है। ब्लास्ट होने के बाद जेन को जॉन की चिंता होने लगती है। जेन को लगता है ब्लास्ट के बाद जॉन मारा गया, पर रियलिटी में वो दूसरी लिफ्ट में था और वो बच गया होता है। मूवी की नेक्स्ट सीन में एक पार्टी टेबल पर बैठे हुए जेन रो रही थी, तभी वहाँ जॉन आता है और उसे कहता है कि उसे डाइवोर्स चाहिए। फिर दोनों डांस करने लगते हैं। डांस करते करते वो दोनों एक दूसरे के हथियार ले लेते हैं। जेन परेशान होके वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद होटल में एक बॉम्ब एक्सप्लोड होने के कारण वहाँ से सब लोग भागने लगते हैं और भीड़ में जॉन भी निकल जाता है। फिर होटल के बाहर एक आदमी जॉन को बताता है कि उसकी जेब में बॉम्ब है, तभी वो उसे फेंक देता है और बच जाता है। जॉन जेन का पीछा करते हुए उसे कॉल करता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। जॉन जेन से पूछता है कि वह उससे प्यार करती है कि नहीं। जॉन अपने प्यार का जेन से कॉन्फेस करता है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो उसके लिए सिर्फ एक कवर था। फिर जॉन वहाँ से भागकर अपने घर चले जाता है। वहाँ दोनों एक दूसरे पर फायर करते हैं और खूब लड़ते हैं। फिर एंड में दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि मुझे मार दो, पर दोनों ही एक दूसरे को नहीं मार पाते क्योंकि वो दोनों आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर दोनों बैठकर एक दूसरे से अपने पास्ट के बारे में बताते हैं और आगे साथ रहने की बात करते हैं। तभी वहाँ दोनों की एजेंसीज के कुछ लोग आते हैं और उन पर अटैक करते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाने में सफल हो जाते हैं। एट लास्ट वो दोनों जॉन के दोस्त के घर जाते हैं और उससे पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है। उनका दोस्त उन्हें सजेस्ट करता है कि उन्हें बेंजामिन को पकड़ना होगा। बेंजामिन को पकड़ के उनके सारे राज पता लग जाएंगे। क्यों एजेंसीज उन दोनों के पीछे पड़ी है। उनका दोस्त उन्हें कहता है कि उन्हें बेंजामिन को पकड़ना होगा, तभी इन सबका राज पता लगेगा कि आखिर हो क्या रहा है। फिर वो बेंजामिन का पता लगाते हैं जो एक बिल्डिंग में कड़े पहरे पे बंद था। वो बेंजामिन को छुड़ाकर एक होटल रूम में ले जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। बेंजामिन उन्हें बताता है कि तुम दोनों की एजेंसीज तुम्हारे कपल होने के बारे में जान गई थी और उनकी एजेंसी ये नहीं चाहती एक उनका एजेंट एक दूसरे एजेंट के बारे में जाने और साथ रहे। इसलिए वो दोनों एजेंसीज ने एक जॉइंट मिशन एग्जीक्यूट किया जिसमें तुम दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से मार दोगे। बेंजामिन बताता है कि मिशन फेल होने के बाद दोनों एजेंसी के लोग तुम्हें मारने के लिए आते ही होंगे। फिर वो दोनों भागकर एक मॉल में छुप जाते हैं। उन दोनों की एजेंसी के लोग उन्हें उस बिल्डिंग में घेर लेते हैं और उन पर फायर करने लगते हैं। फायरिंग के दौरान वो दोनों घायल हो जाते हैं और एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। जॉन जीन से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ और अपनी जिंदगी बचा लो, पर जीन कहती है अब मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही है। और फिर वो दोनों साथ में फाइट करते हैं और एजेंसीज के सारे लोगों को मार डालते हैं। लास्ट में वो दोनों फिर से मैरिज काउंसलर से मिलते हैं और कहते हैं कि उनमें अब सब कुछ ठीक चल रहा है।